हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ आईआईटी जेईई 1979 का एक क्वेश्चन। जिस नेटवर्क में हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें सारे रेजिस्टेंसेस बड़ी आसानी से सीरीज और पैरेलल में हम ढूंढ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम नोटिस करें तो ये जो दो रेजिस्टेंस 3 और 3 है, ये दोनों सीरीज में है। ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हैं, क्योंकि जो भी करंट यहां से ए से इस 3 ओम में जाएगा, वही सेम करंट इधर भी जाएगा 3 ओम में, इसलिए दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 + 3 हो जाएगा 6। उसके बाद हमने उसको हटा कर वहां पर 6 ओम रेजिस्टेंस लगा दिया। अब ऐसा करने के बाद हम देखते हैं कि ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं 6 और 6 ओम, ये दोनों पैरेलल में हैं। अब तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जब दो रेजिस्टेंसेस इक्वल हो और वो पैरेलल में हो, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो डिवाइड बाय 2 हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो इस 6 और 6 पैरेलल में हैं, दोनों इक्वल हैं, तो जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 6 / 2 हो जाएगा, वो जो कि 3 हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट ए, दोनों के बीच में हम इन दोनों 6 6 को रिमूव करके इसका इक्विवेलेंट 3 पुट कर देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये 3 और ये वाला 3, ये दोनों तो सीरीज में है, क्योंकि जो भी करंट इधर से 3 ओम में जाएगा वही सेम करंट इस 3 ओम में भी जाएगा, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, तो अब 3 + 3 = 6 हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट 3 + 3 = 6 हो गया। तो यहाँ पर हम दोनों को हटा करके इसकी जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देते हैं 6 ओम का। अब देखते हैं कि ये जो दोनों 6 ओम बचे यहाँ पे, ये दोनों तो पैरेलल में आ गए। अब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो फिर से वही शॉर्टकट ट्रिक अपनाएंगे कि जब दो रेजिस्टेंसेस इक्वल होते हैं और पैरेलल में होते हैं, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो डिवाइड बाय 2 हो जाता है। तो 6/2 = 3, यानी कि हमने उन दोनों को हटाकर वहां पर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया 3 ओम। अब देखते हैं कि ये 3 ओम और ये 3 ओम फिर से दोनों सीरीज में आ गए, तो इन दोनों सीरीज का रिजल्टेंट हो जाएगा 3 + 3 = 6। अब इन दोनों को हटा के हम यहाँ पर रख देते हैं 6 ओम रेजिस्टेंस। अब ये 6 ओम और ये 6 ओम पैरेलल हो गया, तो पैरेलल हो गया तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 6/2 = 3। फिर से ये 3 जो है अब इस वाले 3 के साथ सीरीज में आ जाएगा, क्योंकि देखो ये करंट जो यहाँ से जाएगी वो सेम अमाउंट ऑफ करंट इधर भी जाएगी, तो इसलिए दोनों सीरीज में है, 3 + 3 = 6। फाइनली हम इन दोनों को रिप्लेस करके 6 ओम लगा देते हैं, तो अब भी हमारे पास 6 और 3 दोनों पैरेलल में आ गए। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है। पैरेलल कॉम्बिनेशन जब होता है दो रेजिस्टेंसेस का, तो R इक्विवेलेंट होता है R1 R2 / R1 + R2, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 6 × 3 / 6 + 3, 18 / 9, और ये हो गया 2 ओम। तो ये हमारा आंसर हो गया।